अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यू जॉब स्टोरी डॉट पी के। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत लिटरेसी एंड नॉन फॉर्मल बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट में लिटरेसी मोबिलाइजर की सीटें अनाउंस की हैं। इसके अलावा 72 से जायद मॉनिटर्स और 68 डिफरेंट प्रोवेंशियल डिपार्टमेंट्स के अंदर जॉब्स अनाउंस की गई हैं। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की लेटेस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर 31/2022 जो कि आज मौरखा 18/12/2022 बरोज इतवार को जारी की गई है, इसके मुताबिक लिटरेसी मोबिलाइजर भर्ती किए जाएंगे जिसकी सीटों की कुल तादाद 183 होगी और इन सीटों पर तमाम पंजाब से हर इजलास से भर्ती की जाएगी और पोस्टिंग भी हर ज़िले में होगी। सीटों की कुल तादाद 323 है जिस पर ग्रेजुएशन से मास्टर तक तालीम रिक्वायर की गई है। एज लिमिट 20 से 28, 7 साल की रियायत, कुल उम्र की बलाई हद 35 साल जबकि फीमेल्स के लिए 21 साल जबकि 28 साल ज़्यादा से ज़्यादा और इसके साथ इसके अंदर 10 साल की रियायत के साथ ये 38 ईयर्स बन जाती है। जेंडर इस पे आल मतलब मेल फीमेल एंड ट्रांसजेंडर तमाम ही इस पे अप्लाई के अहल होंगे। डोमिसाइल किसी भी डिस्ट्रिक्ट का जो कि पंजाब में किसी भी डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल हो वो अप्लाई कर सकता है, हर ज़िले से अप्लाई कर सकता है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग भी पंजाब भर में होगी। लिटरेसी डिपार्टमेंट के अलावा पंजाब में दीगर सरकारी इदारे जिन में भर्तियां निकाली गई हैं उनमें इंफॉर्मेशन एंड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बाबे पाकिस्तान फाउंडेशन के अंदर असिस्टेंट डायरेक्टर, जबकि सोशल वेलफेयर बैतुल माल के अंदर असिस्टेंट और मेडिकल ऑफिसर की भर्तियां की जा रही हैं। इसके अलावा लिटरेसी एंड नॉन फॉर्मल प्राइमरी एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर एग्जामिनर मोनिटर्स लिटरेसी मोबिलाइजर और डिस्ट्रिक्ट ट्रेनर की सीटें, जबकि हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट में असिस्टेंट डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, असिस्टेंट डायरेक्टर मार्केटिंग, असिस्टेंट डायरेक्टर प्रोक्योरमेंट, इसी तरह एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वाटर मैनेजमेंट विंग के अंदर कंप्यूटर प्रोग्रामर, हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर असिस्टेंट डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर की सीटें अनाउंस की गई हैं। अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन तरीक़ेकार रखा गया है। ऑनलाइन अप्लाई के लिए ऑनलाइन फीस जमा करवाई जाएगी जो कि किसी भी एटीएम, मोबाइल फ़ोन बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग या वन लिंक मेंबर बैंक से भरी जा सकती है। इसके अलावा कोई भी उम्मीदवार जो कि पुराने तरीक़ेकार के तहत फार्म 32A पर चालान भर के फीस जमा करवाएगा वो कबूल नहीं होगा। इसी तरह बैंक ड्राफ्ट भी कबूल नहीं किया जाएगा और पे ऑर्डर भी कबूल नहीं किया जाएगा। इसी तरह चेक के ज़रिए भी पेमेंट कबूल नहीं की जाएगी। ये तमाम जॉब्स पंजाब भर के तमाम अजला के लिए हैं जिनके अजला यहाँ पर मेंशन कर दिए गए हैं। इसी तरह ऐसे अफराद जो इंस्टीट्यूट पर अप्लाई करना चाहते हैं वो PPSC की ऑफिशियल वेबसाइट ppsc.gov.pk पर अप्लाई कर सकते हैं। लिटरेसी मोबिलाइजर PPSC गवर्नमेंट जॉब्स 2023 एडवर्टाइजमेंट नंबर 31/2022। इसके साथ साथ आज ही मोरखा 18/12/2022 को दीगर महकमा जात जिसके अंदर गवर्नमेंट जॉब्स इस्लामाबाद के अंदर जो कि PO बॉक्स नंबर 1169 ने जारी की हैं, फेडरल गवर्नमेंट का एक इदारा है जहां पर सीटें अनाउंस की गई हैं। इस्लामाबाद में जारी की जाने वाली जॉब्स में स्टेनोग्राफर, ड्राइवर, DR, नायब कासिद और स्वीपर की 8 सीटें शामिल हैं। इसके अलावा फेस्को फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के अंदर सीटें अनाउंस की गई हैं जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर अकाउंट्स, फाइनेंस, ऑडिट, MIS, PSA, HR, एडमिन, एनवायरनमेंट, सोशल इंपैक्ट, लिटिगेशन,
लीगल, लेबर और स्टोर मैनेजर की 44 सीटें शामिल हैं, जिसकी फिक्स तनख्वाह 1,50,000 मुकर्र की गई है। इसके साथ साथ कोहाट के अंदर एमुनेशन डिपो पर 2 सीटें, जो कि लैब फोरमैन और अपर डिवीजन क्लर्क की सीटें शामिल हैं, अनाउंस की गई हैं। इन तमाम नौकरियों की तफसीलात आप newjobstoday.pk पर देख सकते हैं और अप्लाई का तरीक़ेकार भी वहाँ पर आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई जॉब और एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।